आज राजस्थान के समस्त राशन डीलरों द्वारा आक्रोश पद यात्रा अजमेर से जयपुर के लिए निकाली जा रही है। विगत कई सालों से हमने सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा हमने हमारी मांग सरकार तक रखी, मगर सरकार ने राशन डीलरों की एक भी नहीं सुनी। 2016 से हम राशन डीलर संघर्ष करते आ रहे हैं, मगर पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा भी हमें किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई। हमारी एक ही मांग है कि मानदेय हमें दिया जाए और गुजरात की तर्ज पर राजस्थान के अंदर उसको लागू किया जाए मानदेय को, जिससे राशन डीलरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। आज राशन डीलरों की स्थिति बस से बदतर हो चुकी है। वो अपना घर परिवार चलाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारा सब कुछ आज राशन डीलर रोड पे, आज भुखमरी की स्थिति पर राशन डीलर आ चुका है। डबल इंजन की सरकार और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आज राशन डीलरों की स्थिति बस से बदतर हो चुकी है, क्योंकि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में 27 दिसंबर 2022 को विद्याधर नगर स्टेडियम में माननीय खाद्य मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरिया वास्ते 27,000 राशन डीलरों के सामने घोषणा करी थी कि मैं आपको मानदेय दिला के रहूंगा, और उन्होंने भगवान राम की झूठी कसमें खाई थी और बड़े बड़े डायलॉग बाजी मारी थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए, मगर राम की झूठी कसमें खाई तो राम ने उनको घर पे बैठा दिया। आज हमारी एक ही मांग है कि राशन डीलरों को गुजरात की तर्ज पर मानदेय वेतन लागू किया जाए, जिससे राशन डीलर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। कहां से कहां तक जा रहे हैं आप लोग? अजमेर से जयपुर पदयात्रा, आगे जो हमारा ये कारवा आगे बढ़ता ही जाएगा, और 27,000 राशन डीलर 15 तारीख को शहीद स्मारक पर माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को ज्ञापन देगा अपनी मांगों को लेकर, और वहां समापन होगा। पूरी नहीं होती तो किस तरह का आंदोलन रहेगा आपका आगे? अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो जो भी रणनीति हमारे राशन डीलर भाई करेंगे उसके अनुसार हो जाएगा।